हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का बहुत ही शानदार सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सी चीज़ें मैं इसके अंदर डिटेल में आपको यहाँ पे भी समझाऊंगा, डिटेल वीडियोस में मैंने बताई है, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अंतिम प्रहार की सीरीज़ देखने से पहले डिटेल वीडियो जल्दी देखिएगा। बहुत एग्ज़ाम के अंदर मतलब एक नेक्स्ट लेवल का आपका इम्पैक्ट आएगा अगर आपने डिटेल वीडियो देखे हुए होंगे तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है अपना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि वेबसाइट के और कीवर्ड के टाइप बता दो। तो सबसे पहले वेबसाइट हमारा डोमेन है ना, जैसे www.google.com, www. हमारी वेबसाइट drananandvyas.com, और अब तो नोट्स की भी आ गई है तो नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, तो notes.drananandvyas.com MBA करके अपने पूरे नोट्स अवेलेबल कर रहे हैं हम, धीरे धीरे उस पर अपलोडिंग भी फास्ट हो रही है। अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट में आपको एक बात याद रखनी है कि बहुत तरीके के वेबसाइट के टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सर इतने सारे याद कैसे करें और आप तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दे रहे हो, है ना, तो PDF मिल जाएगी इसकी। देखिए, आपको याद करना है वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव। यदि वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनी है तो कौन सी वेबसाइट होगी, ई कॉमर्स वेबसाइट। यदि वेबसाइट ब्लॉगिंग के पर्पज से बनी है तो कौन सी वेबसाइट होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट। यदि वेबसाइट किसी की पोर्टफोलियो या पर्सनल बनी है, लाइक कि माय वेबसाइट कह सकते हो, जो ई कॉमर्स भी है और जिसमें हम बुक्स भी सेल कर रहे हैं और मेरे बारे में भी उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो कौन सी वेबसाइट हो गई, एक तरीके की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है या पोर्टफोलियो वेबसाइट अपन उसको कह सकते हैं। यदि कोई वेबसाइट इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनी है, किसी कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए बनी है, किसी कंपनी के इन्फॉर्मेशन, तो कॉर्पोरेट वेबसाइट। ठीक है, अब वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, .NET, जावा, PHP क्या यूज़ हुआ है, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद पूछा गया एग्जाम के अंदर कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट बताओ। तो जितने तरीके के आपके माइंड के अंदर ऑब्जेक्टिव आपको याद आते हैं उतने तरीके की वेबसाइट होती है। लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जो बाइंग एंड सेलिंग पर्पज़ से बनती है, ब्लॉगिंग के लिए जो वेबसाइट बन रही है ब्लॉग वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रही है, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो किसी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन दे रही है, एजुकेशनल वेबसाइट लाइक जो AKTU की वेबसाइट है वो अपनी एजुकेशनल वेबसाइट आती है ना, न्यूज़ वेबसाइट लाइक इंडिया टुडे हो गई, आज तक हो गई, इनकी जो वेबसाइट है वो न्यूज़ वेबसाइट आ गई, सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी की सारी सोशल मीडिया के अंदर आ जाती है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट लाइक यूट्यूब है ना, यूट्यूब अब एजुकेशनल भी हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, आप डेली मोशन कह सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर जैसे कि अपन कोई गेम खेल सक रहे हैं या अपन वीडियो प्ले कर पा रहे हैं, जो भी अपन कोई एक्टिविटी जो फन रिलेटेड एक्टिविटी अगर अपन कर पा रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट हो गई। इसके अलावा मेंबरशिप वेबसाइट, अब मेंबरशिप वेबसाइट कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर केवल वही एंटर कर पाते हैं जिन्होंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है या उस कंपनी के पार्ट होते हैं। लाइक ये ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए जो वेबसाइट्स बनती है वो मेंबरशिप वेबसाइट होती है। नेक्स्ट होती है लैंडिंग पेजेस, ये लैंडिंग पेजेस बेसिकली कोई वेबसाइट नहीं होती है लेकिन एक तरीके का डोमेन दिया जाता है, लाइक कि हमारे रोजर पे से हमने गेटवे ले रखा है, जब भी आप हमें पेमेंट करते हैं तो वो रोजर पे के पास जाता है और उसके पास आता है, कहीं पे रेजर पे बोल देते हैं, कहीं पे रोजर पे बोल देते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। तो वो हमको एक लैंडिंग पेज देते हैं, लैंडिंग पेज जिसके अंदर हम हमारी डिटेल देते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं, आप बाय नाउ का ऑप्शन देते हैं, है ना। तो वो लैंडिंग पेजेस भी एक तरीके की वेबसाइट्स ही हैं। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट लाइक कि जो NGO की वेबसाइट्स होती हैं वो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स हैं, लाइक रेड क्रॉस हो गया, चैरिटी की वेबसाइट्स हो गई, वो नॉन प्रॉफिट हो गई। और नेक्स्ट आता है फॉरम्स, जैसे कि रेडिट क्या है, एक फॉरम भी है और एक सोशल मीडिया वेबसाइट भी है, तो रेडिट एक तरीके की रेडिट और कम्युनिटी वेबसाइट्स कह सकते हो जो डिस्कशन के काम आता है। तो फॉरम काफ़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। वेबसाइट का तो टाइप आपको क्लियर हो गया, जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो उस वेबसाइट का टाइप होगा। अब आ जाते हैं कीवर्ड के टाइप। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का मतलब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो उस वेबसाइट के बारे में बताए, किसके बारे में बताए, जो उस वेबसाइट के बारे में बताए। अब कीवर्ड और टैग बिल्कुल सिमिलर ही है ना, YouTube पे आप टैग कह लेते हो, यहाँ पे कीवर्ड कह लेते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो डिफरेंस मिलता है, बाकी ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं। अब कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके बिहाफ पे वेबसाइट सर्च करी जाती है। लाइक अगर आपको मेरा कीवर्ड देखना है तो आप मेरे कीवर्ड पे आज गूगल पे जाइए और लिखिए डॉक्टर आनंद व्यास, ठीक है, वो मेरा कीवर्ड है क्योंकि वो मेरा नाम है, तो आप उस नाम से सर्च करोगे तो चेक करिए कौन सी गूगल पे फर्स्ट आ रही है, सेकेंड आ रही है, एक बार चेक करके मुझे भी कमेंट करके बताना कि सर्च इंजन में मेरी रैंकिंग कहाँ पर आ रही है मेरे इस कीवर्ड के ऊपर।
हो सकता है MBA में मेरी कीवर्ड की रैंकिंग अलग हो, हो सकता है कि BBA में मेरी कीवर्ड्स की रैंकिंग अलग हो, हो सकता है एज अ रिसर्च स्कॉलर मेरी कीवर्ड्स की रैंकिंग अलग हो। अगर मेरे को बुक से सर्च करते हैं तो उसमें कीवर्ड की रैंकिंग अलग हो जाती है। तो कीवर्ड का मतलब क्या है? जो वेबसाइट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक तरीके का उसका लैंडमार्क या एक तरीके का आप कह सकते हो इशारा कि ये सारी चीज़ें इसके बारे में। क्लियर है? अब इस कीवर्ड्स के टाइप होते हैं जिनके ऊपर वेबसाइट रन होती है, और SEO को समझने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमको कीवर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, आप किसी भी बिजनेस में रहो, किसी भी जॉब में रहो, अगर आपको कीवर्ड्स का अच्छा नॉलेज होगा ना, तो आपको आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड किन के लिए होते हैं? जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब कि एक छोटे छोटे कीवर्ड लाइक बुक है ना, MBA, BBA, AKTU, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, या एक जिसके अंदर बिल्कुल एक स्पेसिफिक थिंग होती है ना। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, लाइक व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द डिजिटल मार्केटिंग एंड द ई कॉमर्स AKTU 4SAM, तो ये लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल का मतलब आप समझ गए, छोटे कीवर्ड। AKTU सर्च कर रहे हैं शॉर्ट टेल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सर्च करना है और पूरा का पूरा सेंटेंस डाला, तो लॉन्ग टेल हो गया। तो ये कीवर्ड के आपके टाइप हो गए। नेक्स्ट हो गया ब्रांडेड कीवर्ड। ब्रांडेड कीवर्ड यानी कि किसी कंपनी का नाम डिनोट कर रहे हैं, लाइक कि हमारे एसोसिएशन मेरे नाम से ही चल रही है, डॉक्टर आनंद व्यास, तो एक ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। लेकिन आपका नॉन ब्रांडेड कीवर्ड, तो उसमें किसी MBA अपन ने सर्च किया, BBA अपन ने सर्च किया, तो वो नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। तो सर क्या ये ओवरलैप हो गया? हाँ बिल्कुल, ये ओवरलैप हो गया। लॉन्ग भी हो सकता और शॉर्ट भी हो सकता है। ब्रांडेड ब्रांड किसी का नाम बड़ा है ना, वो वेणुगोपाल अय्यर, वो कौन सी पिक्चर थी, धमाल थी, कौन सी थी, आप बताइएगा कमेंट करके। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई पिक्चर का नाम मुझे याद दिलाता है, कृष्ण रेपाव वेणुगोपाल अय्यर, वो पिक्चर है एक बहुत जोरदार, सीधे जावेद जाफरी के साथ में, और वो उस बंदे का पूरा नाम क्या है वो भी मुझे बताना है ना, पिक्चर का नाम और उस बंदे का नाम। ये पढ़ाई लिखाई तो करते रहते हैं अपन। ब्रांडेड कीवर्ड समझ में आ गया आपको। अब आ जाता है नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड यानी कि यहाँ पर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करी जाती है, लाइक शूज़ हो गए, बुक्स हो गई है ना, वॉच हो गई, मोबाइल हो गया। लेकिन जब मैं स्पेशली कह दूँ आईफोन, तो वो ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। ठीक है, स्पेशली कह दूँ एप्पल, आईफोन तो उसका प्रोडक्ट हो गया, एप्पल जब मैं कह देता हूँ तो ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। लेकिन जब मैं मोबाइल सर्च कर रहा होता हूँ तो नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। तो जब कंपनी डिसाइड कर रही होती है अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो चेक करती है कि शॉर्ट टेल पे कौन सा कीवर्ड रनिंग में फास्ट चल रहा है, लॉन्ग पे कौन सा चल रहा है, हमको कौन से कीवर्ड से अपना वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना है या वीडियो के अंदर उसका टाइटल सजेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आती है। ठीक है, तो बट इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है? जियो टारगेटेड। जियो टारगेटेड यानी कि अपन एरिया स्पेसिफिक के लिए बात कर लेते हैं, लखनऊ के अकॉर्डिंग, कि लखनऊ लिख दिया हमने कीवर्ड के अंदर, नोएडा लिख दिया अपन ने, दिल्ली लिख दिया अपन ने, तो वो जियो टारगेटेड हो गया, यानी किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर अपन कोई कीवर्ड ले लें। नेक्स्ट होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड इज मोस्ट पॉपुलेटर, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी कह लो, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड भी कह लो, और पॉपुलर कीवर्ड भी कह लो, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली कीवर्ड भी यही होते हैं ट्रांजेक्शनल, जिसमें बंदा क्या सर्च कर रहा है, बाय हाउ टू बाय एन आईफोन या बाय बेस्ट मोबाइल इन द रेंज ऑफ 5000। अब यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन डिनोट कर रहा है ना, या तो वो कहेगा कि हाउ टू रिपेयर माई लैपटॉप, तो रिपेयर वर्ड यूज करा, यानी कि कोई कुछ ने ट्रांजेक्शन करा। तो ये कीवर्ड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यदि कोई बंदा सर्च कर रहा है बाय एन आईफोन या बाय एन मोबाइल फ़ोन, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रेदर देन कि एक बंदा सर्च कर रहा है मोबाइल फ़ोन। तो इसलिए इनके ऊपर जब एड रन होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। ठीक है, तो बाय आईफोन, ऑर्डर एंड पिज्जा ऑनलाइन, ये एक ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के बारे में हम पूछ रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है हाउ वो इज, अब इसके अंदर लिख सकते हैं गिव मी द बेस्ट बुक इन द 2024, और व्हाट आर द बेस्ट बुक सेलिंग, व्हाट आर द बेस्ट बुक इन द 2024, हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, हाउ टू मेक अ टी। तो इस तरीके का जब हम कोई इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, गिव मी द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द MBA है ना, हम हमारा प्रमोशन बराबर करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं? वो कीवर्ड होते हैं जो किसी लैंडिंग पेज के ओर अपन को लेके जा रहे होते हैं, लाइक कि
मेरे को जीमेल पे लॉगिन करना है या यूट्यूब पे लॉगिन करना है या मेरे को ये पर्टिकुलर बुक बाय करनी है, तो उस पर्टिकुलर बुक बाय करने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर बुक के लिए जो मैंने करा कि बाइंग लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, अब वो पर्टिकुलर बुक हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, बाइंग बुक फॉर बाइंग लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, ABC बुक कर सकते हैं अपन उसका नाम, तो वो जो होगा वो नेविगेशनल, यानी कि किसी पे जाना है हमको, लॉग इन पेज पे जाना है, लॉग आउट पेज पे जाना है, फ्रेंड पे जाना है, कहाँ जाना है, समझ में आ रहा है? ये टाइप्स हैं और ये सब याद करने पड़ेंगे। देखो इसके अंदर कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ये सारे याद करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, लेटेंट सिमेंटिंग इंडेक्सिंग, ये भी एक तरीके का बैकलिंक टाइप ही होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड दे देते हैं, जैसे कि एप्पल क्या कीवर्ड दे रहा है, मैकबुक दे रहा है, आईफोन दे रहा है ना, तो अब वीवो क्या दे रहा है, Y75 दे रहा है, ये उनका प्रोडक्ट है, उसके बारे में अगर वो को कीवर्ड लगा देते हैं, यानी कंपनी के कीवर्ड नहीं आ रहे, कंपनी के कीवर्ड तो कहाँ आएंगे, ब्रांडेड में। जब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग के अंदर जा रहे होते हैं तब हम उन कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं जब वो केवल पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट के लिए, लाइक कि मैंने कहा अंतिम प्रहार जैसे अपना है ना, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है अंतिम प्रहार। अब अंतिम प्रहार आप सर्च करोगे तो आपको MBA पे ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने चाहिए, क्योंकि इतने अंतिम प्रहार के क्वेश्चंस मैंने YouTube के ऊपर तो सर्च करवा ही दिए है ना, तो आप चेक करना कि क्या अंतिम प्रहार आप सर्च करते हो तो क्या मेरा कोई वीडियो आता है, वो भी एक बार सर्च करना। नेक्स्ट होता है सीजनल कीवर्ड, ये बहुत सिंपल है, अभी रेनी सीजन है तो रेन के लिए आप रेनकोट के अकॉर्डिंग कोई कीवर्ड आ गया, या अपन क्रिसमस रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग कोई कीवर्ड आ गया, होली दिवाली ईद, तो किसी के अकॉर्डिंग कोई सीजनल कीवर्ड आ जाता है तो वो। अब एवरग्रीन कीवर्ड, एवरग्रीन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिन पे हमेशा सर्च बनी रहती है, लाइक टुडेज न्यूज़, हाउ टू लूज अ वेट, ठीक है, इसके ऊपर कभी भी आर्टिकल लिखो ये हमेशा हाई वॉल्यूम में रहेगा है ना, हाउ टू बी अ हाउ टू लुक लाइक अ गुड, ठीक है, ये मतलब एक तरीके का हाउ टू अर्न मनी, ये वाले जो हाउ टू अर्न क्विक मनी, हाउ टू अर्न सोते सोते मनी है, ठीक है, तो ये वो वाले कीवर्ड हैं जो हमेशा बने रहते हैं, हाउ टू नो द शॉर्टकट टू अर्न मनी, तो वो कीवर्ड जो हमेशा से सर्च बने रहते हैं और हमेशा इनका हाई वॉल्यूम होता है, लो टेल भी हो सकते हैं, मनी जैसे कि एक बेसिकली शॉर्ट टेल भी हो सकता है, तो वो एवरग्रीन कीवर्ड बनाते हैं, इन पर कॉम्पिटिशन वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है। सीजनल कीवर्ड पे सीजनल ट्रैफिक रहता है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली अगर ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है तब ये कीवर्ड पे ट्रैफिक आता है, ठीक है। नेविगेशनल पे अब इंफॉर्मेशनल काइंड ऑफ कीवर्ड रहते हैं, लेकिन ये चेक करना होता है जब कोई इश्यूज आ रहे होते हैं तो इसके अंदर ट्रैफिक बढ़ता है वेबसाइट की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अपन को सारे कीवर्ड्स के याद रखने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो है ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।